दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपने सफर पर। दोस्तों जय हो करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधो। जैसा आप सबको मालूम है कि मैं अपने सफर पर रहता हूं, तो चलते हैं आज सफर पर केंद्रीय और विद्यालय। दोस्तों ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालय की ओर रास्ता जा रहा है, तो हम लोग भी इसी रास्ते से चलेंगे। तो आप मेरे साथ में मेरे ब्लॉक में बने रहे। तो दोस्तों मैं चल दिया हूँ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की ओर, तो आप लोग मेरे साथ में बने रहें और पहुँचने के बाद में वहाँ के कार्यक्रम से हम लोग आपको अवगत कराएंगे। तो चलते हैं श्री पीएम केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर। दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जा रहे हैं, तो हम लोग पहुंच चुके हैं श्री पीएम केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर। तो चलते हैं अंदर। तो सामने आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग अंदर आ चुके हैं श्री पीएम केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर के अंदर। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को और भी नज़ारे दिखाएंगे। मैं एमएल मीना, पीजीपी हिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर। हमारे साथी श्री केपी सिंह जी का प्रोग्राम मैं बार बार देखता हूँ, कभी सेंचुरी का, कभी रणथंभौर फोर्ट का, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। इनके उज्ज्वल भविष्य में इस पर कामना करता हूँ। सर नमस्कार, आप सामने देख पा रहे हो श्री पीएम केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। तो चलते हैं हम लोग भी। आप लोग देख पा रहे हो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में वार्षिक उत्सव हो रहा है, उसको लेकर बच्चों में उत्साह है और उसके साथ में ये तैयारी भी कर रहे हैं। तिलक लगो। खा गया उसकी मम्मी का अंदर। आज हम पीएम श्री केंद्रीय अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। हम विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना ता वंदिता साम माम पातु सरस्वती। भी प्रज्वलित करते हैं। By seeing your presence, enthusiasm of the children get increased. And when they come here to perform, you will also witness how they are eager to perform here before you. So I welcome all the distinguished guests. I also welcome media persons and parents and guardians who are also here to encourage the children. I welcome my all the colleagues who made no stone unturned to make a good arrangement for you. आज बहुत थक गया हूँ, जरा एक कप चाय तो पिला दे। बस यही कप चाय मिल जाए तो। यही तो समस्या है इस घर की, जो आता है बस वही ऑर्डर देता चला आता है। जैसे मैं तो सारे दिन आराम करती रहती हूँ और जो मैं करती रहती हूँ काम में सारा दिन, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं इस घर में। स्त्री तो बस सबकी सेवा करने के लिए पैदा होती है। अरे बस अपने स्त्री को, स्त्री स्त्री स्त्री, स्त्रियाँ कभी पुरुषों के बराबर नहीं कर सकती है, समझी? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। देखिएगा एक दिन रचा जाएगा स्त्री पुराण और उसके सारे नियम पुरुषों के लिए होंगे और सिखाया जाएगा स्त्री से बात करने का सलीका भी। अरे ये सब बकवास छोड़, तू ये बता वो तेरी बिगड़े बेटी सुशीला कहाँ है? अरे मेरी क्यों, आपकी नहीं,
कहीं होगी भाई अपनी फिल्म इंडस्ट्री या फिर मॉडलिंग की दुनिया में। अच्छा ये सब बात छोड़ दी, ये बता तूने तेरे भाई से पैसों के बारे में बात किया नहीं की? हाँ की, साफ मना कर दिया। कहता है कि घर की किस्तों से और बेटी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई से कुछ बचे तो दूं, और ससुराल वालों से क्या ही उम्मीद करते हैं आप। मैं तो ये कहती हूँ कि आप कुछ लोगों को पत्नी के घर वालों से मानने की आदत छोड़ देनी चाहिए, शोषण और दमन की परंपराओं को तोड़ देना चाहिए। फिर वही बात। अच्छा थोड़ी याद कर पाएंगे कुछ? सब दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए, सबके सब मतलब ही है। जब खुद का काम बढ़ता है तो कैसे मीठा मीठा बोलते हैं, और अब सब ने झिड़क दिया। हाँ एक प्राइवेट बैंक से बात तो हुई है लोन की, 1 लाख का लोन मिल जाएगा, लेकिन ये प्राइवेट बैंक वाले ब्याज बहुत लेते हैं। तो फिर नालों से लोन? लोन तो लेना पड़ेगा लाजू, लोन तो लेना पड़ेगा। मुझे अपने दोनों लड़कों को डॉक्टर बनाना है, जो मैं ना कर सका वो मेरे दोनों लड़के करेंगे। आदर्श और करण को कोचिंग के लिए कोटा भेजना है। फीस की व्यवस्था के लिए हमें 1.5-2 लाख रुपए चाहिए होंगे, कुछ अपनी बचत और कुछ PPF हो जाएगा। बाकी मैंने अपने बॉस से बात कर ली है, कल से मैं ओवर टाइम करूंगा। हालत देखिए आप अपनी, सूख के काटा हो गए, ओवर टाइम कैसे करेंगे? इन दोनों बेटों के चक्कर में आप अपना जीवन क्यों तबाह कर रहे हैं? अरे लाजो मेरी जिंदगी तो मेरे ये दोनों लड़के हैं, तुम देखना एक दिन ये दोनों मेरा नाम रोशन करेंगे। मुझे इस समाज के मुंह पे तमाचा मारना है। आज जब हमें पैसों की जरूरत है तो कोई टूटी फोड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे भाई के बेटे को देखो, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, वर्मा जी का लड़का CA कर रहा है, और हमारे पड़ोसी मेहता जी की लड़की AOSS का कोर्स कर रही है। अरे बस तेरी बकवास, कुछ काम ना धाम, जब देखो फैशन एक पत्नी का पढ़ना। अरे इतनी बड़ी हो गई तो उसको घर का काम नहीं आता, उसको अभी तक खाना बनाना भी नहीं आता। अरे इसे कुछ सिखा दी की हो, क्या मुंह दिखाएगी इसे 16 वालों को? इनका तो रोज का यही काम है, वही पुरानी किसी पीटी बातें सुनाते रहते हैं। छोड़ो मामा, मम्मा इस फोटो में इनको माधुरी दीक्षित जैसे कितनी डिफरेंट है, मुझे भी बनानी है ऐसी। अरे क्या खांसी का उसे में पैसे की चक्कर में पागल हो जा रही है। अच्छा बेटा इधर से, मैं 10वीं के आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मुझे पढ़ने नहीं दिया, और अब हालत तो तेरे सामने ही है। चूल्हे चौके में स्वाहा हो गई है मेरी जिंदगी, ऊपर से ये शोषण और गुलामी। बेटा एक पढ़ाई ही तो है जो स्त्रियों को मुक्ति दिला सकती है, तुझे एयर होस्टेस बना सकती है। बेटा पढ़ेगी स्त्री तभी तो देश बढ़ेगी स्त्री। हाँ माँ आप ठीक कहती है, से मैं भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी। अरे क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो लड़की को, ये पढ़ाई लिखाई तेरे कुछ काम नहीं आने वाली। तू घर का काम और खाना बना रही थी वही तेरे काम आएगा, पर इसे काम में तू तो नहीं देखती। मुझे सब पता है, आपको बस नहीं अच्छा लगा लड़की पढ़ी है, कोटा भेजी ने पैसे जुटा के, वो भी उधार, मेरी चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, शादी करके बांध लेंगे किसी फूटे से। अरे मैं कोई गाय भैंस हूँ क्या? अरे हो गया करियर बनाएंगे, एक तो अपने कविता और शायरी के चक्कर में पागल हुआ कर रहा है, और दूसरा स्कूल जो है लड़कियां टापता है। अरे बंद कर बकवास, नहीं तो पढ़ेगी क्या? चल अंदर। अरे इस लड़की को तुमने बिगाड़ दिया है, इसको संभाल लो वरना निकलेगी बिना हाथ से। अरे सबका ठिकाना मैंने ही रखा है क्या? इससे जिंदगी नहीं चलती है, अच्छी जिंदगी के लिए रुपए पैसे चाहिए होते हैं। रुपए पैसे तू और तेरा भाई कल को जी के लिए कोटा जा रहा है, तू नीट तैयारी करेगा और तेरा भाई फाउंडेशन कोर्स करेगा। पापा मेरे को नहीं करने कोई कोचिंग, मैं नहीं बनूंगा कोई डॉक्टर वॉक्टर। पापा मेरे को तो शायर बनना है, गालिब और मीर की तरह। पापा मेरे को कोटा क्यों भेज रहे हो, मेरे को कोचिंग नहीं करनी। शायर ये भी कोई करियर है? ये तो निकलने का काम है। अरे कौन पढ़ता है खरीदता शायरी, भूखा मर जाएगा इन कविताओं के चक्कर में पागल बनकर। पापा मैं BA करूंगा, उसके बाद BED करूंगा। पापा मैं शिक्षक बनूंगा, बच्चों का भविष्य संवारूंगा। पापा इससे पवित्र काम और कोई नहीं है। पापा इससे मेरा जीवन यापन भी हो जाएगा और मैं कविताएं भी लिख पाऊंगा। पापा मेरे को कोटा मत भेजो पापा, प्लीज पापा। बंद करिए बकवास, तू वही करेगा जैसा मैं कहता हूँ, तू डॉक्टर ही बनेगा। तू अभी बच्चा है, तू भी अभी तुझे भी तुझे तेरे की समझ नहीं है, तू डॉक्टर ही बनेगा वरना निकल जाए घर से। यार अरे इसको
क्या कर रहा था मतलब? फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए लेट हो गया था। पर ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू स्कूल के बाहर लड़के टांगता है? बेटा तेरे 10वीं में 92% आए थे, इसलिए तेरे पापा ने तुझे पाया और फिजिक्स दिलाई थी ताकि तू डॉक्टर बन सके। हाँ माँ मुझे पता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, ये तो इसलिए झूठ बोल रही है क्योंकि इसके बनाने पर मैं हेयर ड्रायर दिलाया था। तू तो पिटा गया हाथ में आगा उसको, तू और तेरा भाई कल कोचिंग के लिए कोटा जा रहा है, सुबह 7 बजे तैयार रहना। मैं तो जाना ही चाहता हूँ पापा, पर आप भैया को क्यों ले जा रहे हैं? आपको तो पता है ना कि वे कभी बनना चाहते हैं। हिंदी के शिक्षक कह रहे थे तुम्हारा बड़ा भाई आदर्श बहुत प्रतिभाशाली है, एक दिन नाम कमाएगा। अरे बंद करिए बस, मुझे नहीं सुनी है बातें। तू और तेरा भाई कल कोचिंग के लिए कोटा जा रहा है, सुबह 7 बजे तैयार रहना, बस बात खत्म। और इस घटना की बात पापा दोनों भाइयों को लेकर कोटा चले जाते हैं। माँ ने बहुत रोका पर पापा नहीं माने, दोनों भाई कोटा में कोचिंग जाते, खूब मेहनत करते, पर बड़े भैया आदर्श को लेकर फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री और लाखों बच्चों की भीड़ विकसित कर रही थी जिसे शायद कोई समझ नहीं पा रहा था। अब देखते हैं कोटा जाने के 6 महीने बाद की घटना। हे भगवान मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ ये फिजिक्स, एक तरफ ये बायोलॉजी, पेपर में भी अच्छे अंक नहीं आ रहे। पापा कर्जा लेकर आप कर्जा कर रहे हैं, कर्जा गारंट तो अच्छा है, नीट निकाल लेगा, पर मेरा क्या होगा? वापस घर में नहीं जा सकता, नीट नहीं निकाल पाया तो पापा घर में नहीं घुसने देंगे। ऐसी जिंदगी जीकर आखिर मैं क्या करूं, जहां मेरे इच्छाओं की कोई कदर ही नहीं है, मेरे सपनों के लिए कोई जगह ही नहीं है। ऐसी भूत भरी जिंदगी मैं नहीं जी सकता, उनके सपनों के लिए तबाह हुई जा रही है जिंदगी। अब तो एक ही तरीका होता है, मुझे इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। ठीक ही है करण भी नहीं, कभी बंद नहीं होते। पापा पापा ये अखबार में देखिए, आदर्श कुमार की पहली ही किताब ने मचाई धूम, छा गए भैया आप तो। वाह आदर्श, रास्ते कभी बंद नहीं होते, कितना सुंदर नाम है। तुमने आज मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर काम किया, तुमने आज साबित कर दिया कि उस समय मैं गलत था और तुम सही, मुझे माफ कर दे मेरे को। अरे माँ बेटे का मिलन हो गया तो जरा किताब मैं भी पढ़ लूं। हाँ जरूर। अरे हाँ मेरी दिखाओ। वाह क्या खूब लिखा है, सीओ को आप पढ़ने दीजिए, मुक्त गगन में उड़ने दीजिए, क्षमता की सृष्टि होने दीजिए, एक सुंदर समाज बनने दीजिए। आदर्श क्या मेरे लिए भी रास्ते खुले, क्या मैं भी मेरी छुट्टी में पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ? तुम पढ़ाई करोगी इस उम्र में? रास्ते कभी बंद नहीं होते,